PCOD में प्रेगनेंसी के चांसेस को कैसे बढ़ा सकते हैं नंबर वन लाइफ चेंज जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वेट लॉस अगर हम अपनी बॉडी का 5% परसेंट प्रेजेंट वेट का लॉस करते हैं तो इससे हॉर्मोन ठीक हो जाते हैं सेकेंड स्लीप साइकिल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि स्लीप साइकिल ठीक करने से हमारी हॉर्मोन्स ठीक होती हैं तो सही टाइम पे सोना इज वेरी इंपॉर्टेंट और इससे हॉर्मोन्स करेक्ट होंगी नंबर थ्री रेगुलर एक्सरसाइज डे ऑफ एक्सरसाइज कैन चेंज योअर हार्मोन नेक्स्ट फोर्थ इज रेगुलराइजेशन ऑफ योर पीरियड्स अगर आपके पीरियड रेगुलर नहीं है तो उनको रेगुलर करना ही डायरेक्टली प्रेगनेंसी होने के चांसेस के साथ रिलेटेड है सो so ये इंपॉर्टेंट है कि हॉर्मोन पिल्स लेकर अपने रेगुलर साइकल्स किए जाए नेक्स्ट इज ट्रैक योर ओबुलेशन अगर आप रेगुलर हैं पीरियड तो अपने एग को ट्रेस करके उसे ओविलेशन को ट्रैक करना है सो so दैट आपको फर्टिलाइजेशन डेज पता चले एंड नेक्स्ट इज दैट रूल आउट अदर कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी अगर ये सब होते हुए भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो कोई और कारण भी है जो कि प्रेगनेंसी ना होने में में जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है सो so, दूसरे कॉजेज आपकी ट्यूब्स खुली हैं कि नहीं हस्बैंड के टेस्ट ठीक हैं कि नहीं तो कोई भी अदर कॉज है उसको इन्वेस्टिगेट कीजिए